हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को जीएस पॉइंटर में फिर से स्वागत है। जीएस पॉइंटर में जो सब्जेक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के तहत आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से जो है होगा शुरुआत किया जाएगा। तो आइए आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। जोनाथन डंकन ने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद में से अजय, पेरिस की रॉयल सोसाइटी यानी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी वो कौन थे? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल सोसाइटी जो है एशियाटिक सोसाइटी यानी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले चार्ल्स विल्किंसन थे। और कालिदास की जो प्रसिद्ध रचना है शकुंतला, इसका भी पहली बार अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार का मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813। चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र था वो शिक्षा से संबंधित था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्टंड जो 30 मई 1826 को प्रकाशित होता है वो कलकत्ता से होता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विशेष जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर दिया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। सैडलर आयोग जो संबंधित था वो शिक्षा से संबंधित था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। और अंग्रेजी शिक्षा से जो संबंधित था वो लॉर्ड मैकाले था। तो लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित था? तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काम के अधोमुखी जो है निष्पंदन सिद्धांत ये भी संबंधित है शिक्षा के क्षेत्र से। तो औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से। भारत में मतलब भारत की जो शैक्षणिक नीति है इसमें फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो प्रतिपादक हैं वो लॉर्ड मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ जो होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से होती है। प्रथम भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की जो स्थापना होती है 1857 ईस्वी में होती है, जिसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वो कौन थे? तो डी के कार्वे के सतत प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। डेकन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बीजी तिलक ने किया था। और हिंदू कॉलेज जो है ये मतलब कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम जो है स्थापना जो हुई थी वो था हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। ठीक है, नेक्स्ट है, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो प्रबल रूप से वकालत की थी वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। इन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल जो है वकालत किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसमें से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है घोषित किया गया था। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारा। देखिए इसका जो पॉइंटर का सब्जेक्ट या पॉइंट जो भी है क्वेश्चन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद करिए आप, कि याद ना करिए लेकिन 2 से 3 बार आप वीडियो को रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो बंगाल गजट था। विलेजली हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स और डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप जो लागू किया था वो विलेजली ने किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में
जो भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम था वो समाप्त हुआ था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने किया था। तारकनाथ दास जो थे फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किए थे। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता है। गदर पत्र का जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था वो उर्दू भाषा में हुआ था। गदर पार्टी का पत्र जो है गदर एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र आरंभ किया था वो था केसरी। तो केसरी का जो केसरी पत्र है, समाचार पत्र है, इसका प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को है। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाएं जो अनेक कारणों से अंग्रेज की आलोचना करती थी वो था बंगवासी, काल और केसरी। ठीक है, ये तीनों जो समाचार पत्र था ये था अनेक कारणों से जो था लोकप्रिय पत्रिकाएं थी, ये सब ये कांग्रेस की आलोचना करती थी। वह समाचार पत्र जिसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की गई थी, तो वो था संध्या, युगांतर और काल। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस, जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का जो प्रचारक था वो थे लीडर, वो मतलब लीडर समाचार पत्र था। इसके बाद द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था। किसमें? तो उर्दू भाषा में ये नहीं छपता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। तो मनसुख लाल नजर इंडियन ओपिनियन पत्र के जो है संस्थापक थे, संपादक थे। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ कहाँ पर मतलब हुआ था, किसने किया था? तो होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले जो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अरविंद घोष ने अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था। इंडियन नेशन, ठीक है, इंडियन नेशन ये जो था मतलब जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वो कौन था? तो इंडियन नेशन था। इसका जो प्रकाशन था वो पटना से होता था। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। मोतीलाल नेहरू से जो है इंडिपेंडेंट जुड़ा था, यानी जो अंग्रेजी पत्र था वो इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? तो मोतीलाल नेहरू से। इसके बाद सूची वन सूची टू के साथ एक तरफ समाचार पत्र है सूची वन में और सूची टू में भाषा है, तो आपको मिलान करना है। भारत मित्र जो है वो हिंदी में छपता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र जो है गुजराती में, नायक बंगाली में, दैनिक आज जो समाचार पत्र था वो आपका शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा संपादक थे ये। द लीडर मदन मोहन मालवीय इसके संपादक थे और द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, द पायरनियर जो था जॉर्ज एलन के द्वारा जो था संपादन किया जाता था। नेक्स्ट है कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सी पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था मतलब बना दिया था, वो कौन सा समाचार पत्र था? वो प्रताप था। हरिजन के प्रारंभकर्ता जो थे वो महात्मा गांधी थे। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? पूना से, यानी वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था किसके द्वारा? B.R. अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अल हिलाल कॉमरेड द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदारों में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है वो कौन सा? अल हिलाल। अल हिलाल का संपादक अबुल कलाम आजाद थे। 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो था वंदे मातरम। तो उर्दू भाषा में ये छपता था और लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे सूची वन सूची टू दिया गया समाचार पत्र एक तरफ संपादक, तो मिलान करना है। तो आपका जो है सुधारक, यानी जो हिंदू समाचार पत्र था वो इसके संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अयर। सुधारक का संपादक जी के गोखले। वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नरोजी। बंगाली का SN बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल का फिरोज शाह मेहता। कॉमन विल का जो संपादक थे वो एनी बेसेंट। लीडर का मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट का सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट
का संपादक मोतीलाल नेहरू, और जस्टिस का जो समाचार जस्टिस समाचार पत्र पत्र था वो संपादक जो थे टीएस नायर थे। इसका संपादक कौन करते थे? टीएस नायर। किसका? जस्टिस का। तो ये सारे समाचार पत्र का नाम और संपादक का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन दो वही है, अबुल कलाम आजाद द्वारा जो अल हिलाल का संपादन किया जाता था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया, और लोकमान्य तिलक द्वारा जो था केसरी का संपादन किया जाता था। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आपको नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो नवजीवन का जो संपादक थे एम के गांधी थे, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात का संबंध एन सी केलकर से, और कौमी आवाज का जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट में भी आपको मिलान करना है, महात्मा गांधी का संबंध किस समाचार पत्र से? तो यंग इंडिया से, बाल गंगाधर तिलक का केसरी से, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ से, बी आर अम्बेडकर का मुकनायक से, एनी बेसेंट का जो संबंध है न्यू इंडिया से, और दादा भाई नौरोजी का जो समाचार पत्र था वो राष्ट्र गुप्तार था। आगे बढ़ते हैं, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको सही सुमेलित करना है, तो बिपिन चंद्र पाल द्वारा कौन सा समाचार का जो है संपादन किया जाता, तो न्यू इंडिया का। अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा संध्या, और मोहम्मद अली द्वारा कॉमरेड का संपादन किया जाता था। एस ए डांगे द सोशलिस्ट के संपादक थे, मुजफ्फर अहमद नवयुग का, गुलाम हुसैन जो थे इनकलाब निकालते थे, और एम सिंगरवेलू का जो संपादन था संपादक वो संपादन करते थे वो लेबर किसान गजट का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसके बारे में देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वह कौन था? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े, इन्हें जो था मुख्यतः आकर्षित किया था। कथन ए में कह रहा है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण आर कह रहा है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो देखिए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग और शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसमें सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो इनमें से किसे सर्वप्रथम जो है पश्चिमी सभ्यता को मतलब ये लोग पश्चिमी सभ्यता से सबसे ज्यादा मतलब प्रभावित हुए थे? तो वो थे शिक्षित हिंदू मध्य वर्ग। भारतीय जागृति का जनक है राजा मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, और राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष जो है राजा राम मोहन राय ही है, और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी जो थी वो आत्मीय सभा था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था, और अकबर सेकंड के समय में मतलब इन्होंने क्या किया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि जो है वो ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है यहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, लेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेशन तथा इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का जो संबंध है वो किससे है? तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडिया रिफॉर्म्स एसोसिएशन के संस्थापना से इनका संबंध है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वो एक देववाद पर आधारित है। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा और मूर्ति पूजा में से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था वो था पाश्चात्य शिक्षा का। तो पाश्चात्य शिक्षा का जो है राजा राम मोहन राय ने कभी विरोध नहीं किया था, बाकी सारे जो थे इनके विरोध थे। ब्रह्म समाज के बारे में जो कहा गया है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्गों को अस्वीकार किया, यह भी सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे वो थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 ईस्वी में। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी वो थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का जो नाम था वो शारदा मणि था। आर्य समाज ये जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है? तो आर्य समाज है, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में होता है। वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। भारत का मार्टिन लूथर
दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य आर्य समाज की, और शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया था। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, वह था, मतलब किसने कहा था कि अच्छा शासन जो है स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती ही। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती का जो सही कालक्रम है, पहले तुलसीदास, इसके बाद राजा राम मोहन राय, इसके बाद दयानंद सरस्वती, इसके बाद स्वामी विवेकानंद का समय आता है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक जो थे M.G. रानाडे थे, और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था ज्योतिबा फूले के द्वारा। गुलामगिरी का लेखक है ज्योतिबा फूले। पिछड़े वर्गों का उत्थान का जो मुख्य कार्य था वो सत्यशोधक समाज का था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, ये मतलब स्वामी सत्संग के जो संस्थापक थे वो शिव दयाल साहब थे। तो राधा स्वामी सत्संग के कौन से संस्थापक थे? शिव दयाल साहब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का वह सुधार जिसे लोकहितवाद कहा जाता है, वो था मतलब जो सुधारक थे महाराष्ट्र का, जिन्हें हम लोग हितवाद के नाम से जानते हैं, लोकहितवादी भी कहते हैं, वो थे गोपाल हरि देशमुख। विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था। बहराम जी M. मालाबारी ने 19वीं सदी के महानतम पारसी ये जो थे समाज सुधारक थे। 1891 में दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो था पारित हुआ था। तो दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 में पारित हुआ था, ये क्या था आपको पता है? उसका प्रधान जो संबल यानी प्रिंसिपल जो फोर्ड था सामाजिक और धार्मिक सुधार, जिसने मतलब उसने सामाजिक बुराइयों के, ये एक मतलब शख्सियत के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है, तो अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसका प्रधान संबल तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसका अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। और उद्रण में जो संकेतिक व्यक्ति हैं वो कौन से हैं? तो ये सारे जो है महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बताया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं के बारे में है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए जो उत्तरदायी कारण था कौन कौन से था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था।